Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I am Dr. Gunjan. So, आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. ये है कुछ ऐसे प्लांट्स. मैं आज आपको पांच कुछ ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूँ जिनको आप अपने घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं और जिनको बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है, जो आपके घर को एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा मेकओवर दे देंगे. ठीक है, ये ना ही सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाएंगे बट इनकी एस्थेटिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और ये आपके घर को एक लेवल अप करके लाइक फील करवाएंगे आपको. एंड यू विल गेट अ रॉयल फील बाय ग्रोइंग दीज प्लांट्स. ठीक है, सो सबसे पहले ये पांच प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ये जो पांच के पांच प्लांट्स हैं, ये एक मतलब इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं जिनको बहुत ही कम केयर की रिक्वायरमेंट है, बट अगर विद राइट केयर एंड विद लाइक राइट एलिगेंस, ये आपके घर को बहुत ही वाइब्रेंट लुक देने वाली है. सो पहला प्लांट है ऑर्किड. सो ये ऑर्किडेसी फैमिली से बिलोंग करता है. ऑर्किड आप सब लोग जानते होंगे, ऑर्किड बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स में आते हैं. ठीक है, यूनिक शेप्स हैं इनकी. ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं कि आप अपने घर में इसको किस तरह से लगा सकते हैं और ये देखिए, ये आपके घर को कितना ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है. ठीक है, सो सेकेंड प्लांट के बारे में हम बात करेंगे, एंथूरियम, जिसको कॉमनली टेल फ्लावर के नाम से जाना जाता है, फ्लामिंगो के नाम से जाना जाता है, लेस फ्लावर के नाम से जाना जाता है. जो इसकी ग्लॉसी लीव्स हैं और एक स्ट्राइकिंग रेड कलर, जो पिंक कलर, ये भी दो तीन कलर्स में आते हैं, रेड कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, अ लाइट बिट वाइट कलर हो गया. ठीक है, ये एक ट्रॉपिकल टच देते हैं आपकी स्पेस को. ये ऑफिस स्पेस में भी आप अपनी यहाँ पे प्लांट्स की फॉर्म में, पॉट्स की फॉर्म में इसको रख सकते हैं, आप अपने घर में रख सकते हैं. सो इट विल गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल टच. ओके, सो थर्ड प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं, फिडल लीफ, जिसको बैंजोफिक भी जाना जाता है. ठीक है, ये एक कॉमन नेम है यहाँ पे. ये वॉयलेंट शेप के होते हैं. ठीक है, अगर आप इन लीव्स की बात करें तो इनकी शेप वॉयलेंट शेप रहेगी और ये एक मॉडर्न वाइब देते हैं आपके इंटीरियर्स को. सो दिस प्लांट इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. एंड फोर्थ प्लांट आई एम टॉकिंग अबाउट द अरेका पाम. अरेका पाम तो आप सबने सुना ही होगा. ठीक है, जिसको गोल्डन केन पाम या येलो पाम के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, ये भी एक ट्रॉपिकल प्लांट ही है. सो आप इसको अपने घर में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. ये आपको एक एलिगेंट फील देगा आपके इंटीरियर्स को और जो ये लार्ज स्पेसेस को फिल करने में बहुत ही काम आता है और एक आपको लग्जूरियस लुक में आपकी जगह को चेंज कर देगा. राइट, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द हिबिस्कस प्लांट, जिसको हम चाइना रोज के नाम से जानते हैं, चाइनीज हिबिस्कस. इसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों तरह पे ग्रो कर सकते हैं. ये भी एक ट्रॉपिकल टच दिया जाता है. ठीक है, इसको आप इंडोर में पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं. ये इसके भी बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में ये आता है. सो ये आपके घर को बहुत ही सुंदर बना देगा. सो ये पाँच प्लांट्स जो हैं, ये सारे के सारे हम लोग इंडोर ग्रो कर सकते हैं. राइट, और इसकी ये एक बेसिक केयर गाइडलाइंस है जो कि आप इस वीडियो में, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ आपको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हार्श सनलाइट को अवॉइड करना होता है. सॉइल को मॉइस्ट रखें. इसकी टॉप की जो 1 to 2 inches अगर ड्राई हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा पानी दे दें. वाटर लॉजिंग नहीं करनी होती हमें. और ह्यूमिडिटी की बात करें तो बहुत ही मॉडरेट टू हाई ह्यूमिडिटी में ये ग्रो करते हैं. ठीक है, और मिस्ट मतलब आप स्प्रे करें पानी से लीफ के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में, जिससे कि लीव्स जो हैं खराब नहीं होते. और टेम्परेचर 18 to 25 degree आइडियल टेम्परेचर रहता है. और ड्राफ्टिंग को अवॉइड किया जाए. ड्राफ्ट का मतलब ये हो गया कि कुछ लाइक एयर कंडीशनिंग की हवा या डायरेक्ट कोई भी चीज़ एकदम से एटमोसफियर के टेम्परेचर को चेंज कर रही है, वो आप अवॉइड कर सकते हैं इन प्लांट्स के लिए, ताकि ये प्लांट्स एकदम से उस चीज़ को लाइक प्लांट्स भी एकदम से उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाते. राइट, फर्टिलाइजर्स आप 2 से 4 हफ्ते में इसको फीड कर सकते हैं और ड्रेनेज गुड ड्रेन पॉट को यूज़ करें. सो दीज आर सम बेसिक गाइडलाइंस यू कैन यूज़ और आप इन प्लांट्स को अपने घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.
अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।